आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही यूनिक बैकपैक का इंटरेस्टिंग रिव्यू। और इसका यूनिक फीचर ये है, आप स्पेंड करेंगे सिर्फ एक बैकपैक का अमाउंट और अवेल कर सकते हैं दो बैकपैक के बेनिफिट्स। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ब्लॉगर शर्मा, मैं हूं आपका होस्ट राम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, ये है रेड वुल्फ का ब्रांड न्यू बैकपैक जो कि आता है अमेजिंग डिजाइन और कलर्स के साथ। सो स्टॉक बैग आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आपको रेड वुल्फ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा फ्रंट पे, और जस्ट उसी के नीचे रेड वुल्फ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वो भी लोगो का पार्ट है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में सबसे पहले हम जिप देख लेते हैं। जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका मटेरियल काफी हैवी है, ये हैवी मेटल से बनी हुई है, कोई नॉर्मल मेटल या फिर प्लास्टिक से नहीं बनी हुई है, तो जिप का मटेरियल बहुत अच्छा है। उसके बाद ये जो पाइपिंग वाला डिजाइन है ये भी काफी अच्छे से फिनिश किया गया है, इसमें आपको कोई फ्लॉज नहीं दिख रहे हैं और ये डिजाइन के साथ ही जा रहा है। बैक में आपको स्ट्रैप पे लोगो देखने को मिल जाएगा जो की बहुत ही प्रीमियम फील देता है किसी भी बैकपैक को। ये लोगो सैटन क्लोथ पे एम्ब्रॉयडरी के साथ बनाया गया है और इसको स्टिच किया गया है आपके बैग के स्ट्रैप पे, जो कि बहुत प्रीमियम लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। उसके साथ साथ आपको एक रेड कलर का टैग देखने को मिल जाता है बैग के लेफ्ट साइड पे, जिसमें वेबसाइट मेंशन है redwolf.in, और ये थोड़ा प्रीमियम फील और एनहांस कर देता है बैग की। कंफर्ट वाइज आपको ये बैग काफी सुटेबल रहने वाला है क्योंकि इसमें मेश मटेरियल यूज किया गया है और जो फोम यूज की गई है वो भी अप टू द मार्क है। वहीं स्ट्रैप में भी सेम क्वालिटी की फोम यूज की गई है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी सेम क्वालिटी की स्ट्रैप यूज की गई है, कोई चीप फोम यूज नहीं की गई है या फिर बहुत ज्यादा बल्कि फोम यूज नहीं की गई है और अप टू द मार्क है। और ये जो आपको बकल देखने को मिल रहा है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सॉफ्टर साइड पे रखी गई है। बैक में आपको एक ये हैंडल देखने को मिल जाएगा जो कि सॉफ्ट और ड्यूरेबल दोनों ही है। इसकी डिजाइनिंग काफी अच्छे से की गई है, इसकी स्टिचिंग बहुत प्रॉपरली की गई है। ये सेम वही बैग वाला मटेरियल है, मैं अभी आपको मैच करके दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल सेम वही मटेरियल है और इसको स्टिच किया गया है। नीचे में आपको कोई पाइपिंग डिजाइन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक फ्लैट बॉटम सरफेस देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी सही रहता है। मुझे पर्सनली फ्लैट बॉटम सरफेस काफ़ी सही लगते हैं क्योंकि उसमें आपके बैग की शेप अच्छी रहती है अगर वो प्रॉपरली फिल्ड हो। और लेफ्ट साइड में आपको एक ये बॉटम होल्डर भी देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपको नेट और इलास्टिक दोनों चीज़ें मिलती हैं। क्वालिटी अप टू द मार्क है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं है लेकिन अप टू द मार्क है, काम चल जाएगा। अब टॉप में देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तीन जिप्स देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैं सबसे पहले बात करूँगा सेकंड और थर्ड कंपार्टमेंट की, फर्स्ट कंपार्टमेंट पे हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। यूजुअली सेकंड कंपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है लेकिन इसमें ठीक ठाक आपको डेप्थ देखने को मिल जाएगी। प्लस इसमें ऑर्गेनाइजर भी मिल रहा है जो कि सभी बैकपैक्स में अवेलेबल नहीं होता। इसमें आपको ऑर्गेनाइजर के साथ साथ एक और जिप पॉकेट मिल रही है जो कि आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आपको ऑर्गेनाइजर मिल रहा है, यहाँ पे आप अपना सनग्लासेस, पावर बैंक्स कुछ भी इजीली रख सकते हैं, इतना स्पेस मिलता है इसमें। अगर जिप ओपन करके देखें तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी पॉकेट देखने को मिल जाती है जिसमें आप अपने बाइक या कार के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं फॉर रेगुलर यूसेज, तो उसके लिए ये पॉकेट बिल्कुल सफिशियंट है। ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, प्लस मुझे इसकी फिनिशिंग भी काफी पसंद आई है और ऑर्गेनाइजर की वजह से ये ज्यादा एनहांस कर देता है स्टोरेज को। आइए अब चलते हैं थर्ड कंपार्टमेंट में, और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा, आपको डेप्थ भी इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी। प्लस इसमें फोम भी काफी अच्छी क्वालिटी की यूज की गई है। अगर आप यहां देखें तो आपको एक लैपटॉप कंपार्टमेंट भी देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आप अपना 15.6 इंचेस का लैपटॉप इजीली कैरी कर सकते हैं, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा कैरी करके। फोम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें आपको बैक में भी फोम देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में भी फोम देखने को मिल जाएगा, और नीचे से भी आपका लैपटॉप बिल्कुल सेफ रहेगा। तो यहाँ पे मैं 15.6 इंचेस का एक लैपटॉप रख रहा हूँ जो कि थोड़ा ओल्ड मॉडल है, उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं है, इसमें सीडी रोम भी अवेलेबल है, एंड स्टिल यू कैन सी कि मेरे पास स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है क्योंकि ये 30 लीटर्स का बैकपैक है, इसमें आपको स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बैक में आपको फोम मिल रही है और मैश मिल रहा है, तो बैक से भी आपका ये प्रोटेक्टेड रहने वाला है लैपटॉप।
और अब हम बात करते हैं फर्स्ट जिप की, तो ये आपको हाफ देखने को मिल रही है, ये फुल जिप नहीं है। यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस बैकपैक का, ये सबसे यूनिक फीचर है। इसी वजह से आपको एक के प्राइस में दो बैकपैक के बेनिफिट्स मिलेंगे एंड सी दी मैजिक। एंड ये सेम बैकपैक है, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं करे हैं, बस मैंने इसकी आउटर स्किन चेंज कर दी है। इनफैक्ट मैंने इसमें एक आउटर स्किन ऐड कर दी है क्योंकि रेड वुल्फ की जो स्किन है वो आपको ऑलरेडी बैग में मिलेगी। ये आउटर स्किन है, इसको आप वापस से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जिप कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ अगर मैं इसको अनजिप करता हूँ तो आपको रेड पोर्शन दिख रहा होगा। अभी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो रेड पोर्शन है वो आपके बैग में हमेशा रहेगा और आप इस स्किन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और स्किन्स हैं तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। और यहाँ आपको नीचे मार्वल की एक छोटी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जो कि सेम कलर में होगी। कभी कभी कुछ स्किन्स प्रॉपरली बंद नहीं हो पाती हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रॉपरली जिप नहीं हो पा रही है, तो इसमें आपको रेनी सीजन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे वाटर इजीली एंटर कर सकता है एंड ये थोड़ी प्रॉपर फिनिश भी नहीं दे रहा अगर आप साइड लुक से देखें। लेकिन ये सभी स्किन्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ ही स्किन्स में प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको दूसरी स्किन दिखाऊंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज द सेकेंड स्किन, मैंने इसमें दो या तीन स्किन परचेज करी हैं एंड पर स्किन आपको 299 अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड जो बैकपैक का प्राइस है वो 1199 है। नाउ इन दिस स्किन आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, इसमें वो डिजाइनिंग फ्लॉ नहीं है और इसमें फिनिशिंग भी प्रॉपर आ रही है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे लास्ट स्किन है जो मैंने परचेज करी थी एंड ये सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रही है ये वाली स्किन। ये सेम मटेरियल यूज़ किया गया है जो आपके बैकपैक का मटेरियल है, ये सेम वही मटेरियल है। ओवरऑल बैकपैक की बात करें तो रेड वुल्फ का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है बैकपैक की रेंज में और उस हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव प्रोडक्ट है। इसमें क्वालिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, कम्फर्टनेस भी आपको काफ़ी मिल जाएगी एंड डिजाइनिंग तो इसकी सुपर्ब है ही। साथ ही साथ आपको एक के प्राइस में दो बैकपैक के बेनिफिट्स मिलेंगे और अगर आप स्किन और परचेज करना चाहते हैं तो आप एक बैकपैक के साथ बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं। तो वो मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा, सबसे यूनिक फीचर वही है इस बैकपैक का। ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप स्टोरेज स्पेस भी देख सकते हैं, 30 लीटर्स की इसमें स्टोरेज मिलती है। और अब मैं आपको वन बाय वन स्किन चेंज करके दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा लुक आने वाला है क्योंकि ब्लैक बेस पे सभी कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट शॉट दिखा देता हूँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर इसकी फिनिशिंग दिखा देता हूँ। इस बैकपैक में कोई भी आपको फिनिशिंग प्रॉब्लम नहीं लगेगी, जैसे कि कुछ बैकपैक्स में थ्रेड निकले होते हैं या फिर स्टिचिंग प्रॉपरली नहीं होती है। यहाँ पे आपको सब कुछ प्रॉपरली देखने को मिलेगा, कोई भी आपको थ्रेड निकला हुआ नहीं दिखाई देगा, एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं है, स्टिचिंग भी प्रॉपरली हुई है। डिज़ाइनिंग वाइज तो ये बैकपैक काफ़ी अच्छा है, प्लस इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, स्टोरेज भी बहुत अच्छी है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि एक बार आप इसको यूज़ करके देखिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दी सेम प्रोडक्ट, तो मैंने कुछ डिस्काउंट कूपन्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। आप वो प्रोमो कोड यूज करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यू कैन चेक आउट दी बैग्स कलेक्शन एंड स्किन कलेक्शन ऑन दी रेड वुल्फ वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे बैग्स और बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। If you like this video then please do hit the like button and subscribe to my channel. If you're not following me on Instagram and Facebook, तो ID आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। Till then keep watching Vlogger Sharma, bye bye, take care.